बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने के बाद हम पेटीएम में नया अकाउंट नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पेटीएम में एक नया अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आप पेटीएम में यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट को लिंक करके यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है पेटीएम में अभी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज जो है पेटीएम में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग वीडियोज़ को देखते देखते वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आप पेटीएम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप या फिर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा कि लॉगिन करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आपको यहां से मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है और यहां पे प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। और जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP यहाँ पर सेंड किया जाएगा और OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। इस तरीके से आपका पेटीएम ओपन हो जाएगा। इस तरीके से होम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ से आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। टू मोबाइल और कॉन्टैक्ट हो गया, यहाँ से आपके पास अगर रुपए क्रेडिट कार्ड है तो वो आप लिंक करके आप किसी को भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेटीएम में आपने दो बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है तो आप अपने ही बैंक अकाउंट में एक दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर पाएंगे। और यहाँ से आप बैलेंस स्टोरी पर क्लिक करके आप बैलेंस स्टोरी आप यहां से देख सकते हैं। अगर आप UPI लाइट को यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहां से UPI लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको लोन की रिक्वायर्ड है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं बिजनेस लोन, तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं पेटीएम के थ्रू, तो वो आप यहां से क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके, अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप यहां से मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। अगर आप DTH रिचार्ज करना चाहते हैं वो आप यहां से करेंगे। अगर आप बिजली बिल यहां से भरना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप जमा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड का अगर आप बिल जमा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक का, ये वाला ऑप्शन आपको भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो RBI द्वारा यहां पर जो कि बैन लगाया गया था पेटीएम का, जो पेटीएम पेमेंट बैंक था वो, और पेटीएम का फास्टैग, पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर अभी आप नया अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ये दो तीन सर्विसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका पहले से पेटीएम अकाउंट बना हुआ था और पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है तो उसमें कोई रिफंडेबल बैलेंस था या फिर कोई अगर कैशबैक है तो वो आपको रिसिप्ट हो जाएगा और उस कैशबैक को आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको तीन जो है सर्विसेज है, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम फास्टैग हो गया, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम का जो वॉलेट सर्विसेज है, इसमें कोई भी आप जो कि डिपॉजिट मनी या फिर ऐड मनी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो भी यहाँ से बाइक इंश्योरेंस हो गया, यहाँ पर इतने सारे आपको जो कि सर्विसेज यहाँ पर मिलता है, यहाँ से आप फ्री में पेटीएम के थ्रू अपना जो कि सिविल स्कोर है वो आप चेक कर सकते हैं। ये तो है यहाँ पर कि पेटीएम में इतने सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल रहा है, इन सब सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं। तब अब आप इसमें कैसे बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रोफाइल वाला पिक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते देख सकते हैं यहाँ पर लिंक बैंक अकाउंट करके एक आइकन देखने को मिल रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरा आ रहा है एड बैंक अकाउंट, तो आपको यहां से एड बैंक पर क्लिक करना है। और जैसे आप एड बैंक पर क्लिक करते हैं, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जिसमें भी बैंक अकाउंट आपका है, जिस भी बैंक में, वो आपको यहां से बैंक अकाउंट अगर सामने में मिल रहा है बैंक का लोगो, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहां पर देखेंगे ऑल अदर बैंक में क्लिक करके आपको इतने सारे बैंक अकाउंट देखने को मिल जाता है। तो जैसे मेरा यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो हम यहां से पेटीएम पेमेंट बैंक पर यहां पर सर्च करेंगे। हम पेटीएम पेमेंट बैंक को ही यहां से लिंक करना चाहते हैं। हमने सिलेक्ट किया और देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर लिंक हो गया, यानी कि ये वाला मोबाइल नंबर से मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक बना हुआ था तो यहाँ पर लिंक हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, मनी रिसीव मनी फ्रॉम एनी UPI ऐप्स करके। तो इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेसन नाउ रिसीव मनी फॉर एनी UPI IDs करके ओके ऊपर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने का देख सकते हैं यहाँ पर पेटीएम का जो पेमेंट बैंक था वो हमारा लिंक हो गया। लेकिन आपको अभी जो कि पेटीएम का पेमेंट बैंक है वो लिंक नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट तो लिंक हो गया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट करके आ रहा है
कि जो आप पेटीएम है वो उसके जो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसमें कोई भी मनी डिपॉजिट या फिर रिसिप्ट का जो सर्विस है वो वहाँ पर जो कि बंद कर दिया गया है। तो अगर आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट है वही आप लिंक करें, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको पैसा ट्रांसफ़र करे और आपको ईजिली जो है कि वो पैसा रिसिप्ट हो जाए तो आप यहाँ से दूसरा बैंक अकाउंट को लिंक करने के बाद यहाँ पर बैंक क्लिक करेंगे और क्लिक करने का जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, ब्रांच नाम जो होगा, अकाउंट टाइप जो होगा सेविंग करेंट वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बैंक अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं और आप यहां से अपना जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। और जैसे यहां पर देख सकते हैं मेरा एक ऑप्शन आ रहा है UPI पिन में चेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब फर्स्ट टाइम बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे तो यहां पर आपका सेट UPI पिन का ऑप्शन आएगा और सेट UPI पिन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड से। अगर आपके पास बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू अपना UPI पिन सेट कर सकते हैं। आप यहां पर क्लिक करेंगे यूज़ डेबिट कार्ड पर और उसके बाद जो भी आपका डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड का जो डेबिट ATM कार्ड है उस ATM कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर आपको एंटर करना है और ATM पे जो एक्सपायरी डेट है वो आपको एंटर करनी है और उसके बाद OTP के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपको बोला जाएगा UPI पिन सेट करने के लिए। सेट करने आपको सक्सेसफुली UPI पिन सेट हो जाएगा अगर आपने फर्स्ट टाइम UPI में अकाउंट बनाएंगे तो। अगर आपका पहले से बना होगा तो आप बैंक अकाउंट को लिंक कर लीजिए, आपको पिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो यूज़ आधार कार्ड पर क्लिक करके और यहाँ पर आई कंसेंट यूज़ माई आधार इस पर क्लिक करके आप प्रोसीड पर क्लिक करके आप आधार कार्ड के थ्रू भी अपना ATM यहाँ पर UPI पिन आप बना सकते हैं और आप पेटीएम में बैंक अकाउंट को यूज़ करके पेटीएम में UPI को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जितना सारा आपको बताया कि इन सर्विसों को आप पेटीएम में यूज़ कर सकते हैं और आप जो कि कुछ सर्विसेज को जैसे पेटीएम का जो फास्टैग हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट हो गया, इन सब सर्विसेज को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी सर्विसेज पेटीएम में हैं वो सभी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिले।